पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन इज़ द ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑन एन इश्यूज और मैटर रिलेटिंग टू पब्लिक कंसर्न एंड वेलफेयर। अब पब्लिक ओपिनियन उसे कहा जाता है जो कि लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या लोगों के जो मैटर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, जिसे कि पब्लिक कंसर्न या वेलफेयर के लिए होते हैं, उसे पब्लिक ओपिनियन ऐसा कहा जाता है। इट हेल्प्स टू शेप गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डिसीजंस। अब ये पब्लिक ओपिनियन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के हेल्प से ही गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज या डिसीजन बना सकते हैं या फिर ले सकते हैं। पीपल कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज़ थ्रू वेरियस सोर्सेस ऑफ मीडिया लाइक न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न एंड मैगजीन। अब लोग जो हैं वो अपने खुद के विचार अलग अलग तरीके से अलग अलग सोर्सेस के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि लोग अपने विचार न्यूज़पेपर में, रेडियो में, टेलीविज़न पर या मैगजीन में वो कह सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। दे कैन शो देयर डिसएफेक्शन एंड डिसअप्रूवल बाय ऑर्गेनाइजिंग रैली, स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट मार्चेस, सिग्नेचर कैंपेन्स और बाय फॉर्मिंग सोशल मूवमेंट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द मासेस। अगर लोग गवर्नमेंट के किसी डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हैं तो अपना डिसएफेक्शन या उनका डिसअप्रूवल वो दिखा सकते हैं, और इसके लिए वो रैली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मार्च भी निकाल सकते हैं, या फिर वो सिग्नेचर करके कैंपेन्स बनाकर भी वो अपना डिसअफेक्शन दिखा सकते हैं। इस तरह के सोशल मूवमेंट्स बनाकर, एक्टिविटीज़ करके वो गवर्नमेंट का अटेंशन पा लेते हैं। द गवर्नमेंट मे डिफेंड एंड एक्सप्लेन इट्स एक्शन बट फाइनली इट मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू पीपल्स विशेष इफ दे आर लॉजिकल। अब गवर्नमेंट जो है वो खुद को डिफेंड करने के लिए या खुद के जो एक्शंस है, डिसीजंस है, वो एक्सप्लेन कर देते हैं, बट अगर लोग लॉजिकल है तो उन्हें लोगों का ही मानना पड़ता है या लोगों के ही विश फुलफिल करने होते हैं। सोशल मूवमेंट्स मे बी फॉर्म बाय एनी सेक्शन ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू चैलेंज सम डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। अब सोशल मूवमेंट्स जो है, जैसे कि स्ट्राइक्स है, रैलीज है, मार्चेस है, सिग्नेचर कैंपेन्स है, ये सारे जो होते हैं वो लोगों के सेक्शन से बनाए जाते हैं, और ऐसे जो सोशल मूवमेंट्स होते हैं अगर लोगों को गवर्नमेंट के डिसीजन एक्सेप्ट नहीं है तो उनके अगेंस्ट में ही, उन्हें चैलेंज देने के लिए ही ये मूवमेंट चलाए जाते हैं। द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द मूवमेंट कंडक्ट वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक मार्चेस एंड डिमॉन्स्ट्रेशन इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट स्पेसिफिक इश्यूज़। अब ये ऐसे जो स्पेसिफिक इशू होते हैं उनकी तरफ सरकार का या गवर्नमेंट का अवेयरनेस, ध्यान खींचने के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन या मार्चेस के जैसे एक्टिविटीज़ इन मूवमेंट के थ्रू कंडक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इंडियन एंटी करप्शन मूवमेंट दैट बिगेन इन 2011 वॉन्टेड द गवर्नमेंट टू पास स्ट्रॉन्गर लॉ अगेंस्ट द पॉलिटिकल करप्शन। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि इंडियन एंटी करप्शन, ये जो मूवमेंट था वो इंडिया में 2011 में स्टार्ट किया गया था, और ये इसीलिए स्टार्ट किया गया था क्योंकि पॉलिटिकल फील्ड में बहुत ही ज़्यादा करप्शन शुरू था। ये करप्शन रोकने के लिए, पूरी तरह से हटा देने के लिए ये एंटी करप्शन मूवमेंट लोगों के थ्रू चलाया गया, जिसकी तरफ गवर्नमेंट का भी ध्यान